हेलो नमस्कार मोहरब अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफरोज रब्बानी एंड यू वाचिंग रब्बानी ब्लॉग। तो अभी अभी जो आपने देखा है, ये हम लोग आए हुए हैं माजरा यानी क्या बोलते हैं इसको फार्म में, और यहाँ पे हम लोग आते थोड़ा एंजॉय करने। तो अभी हम जा रहे घर, ठीक है। तो दरवाज़ा बंद कर दो वॉचमैन, दरवाज़ा बंद करो वॉचमैन सही नहीं है, सैलरी काटना पड़ेगा। फंसाओ ना मैं कुंडवा। वॉचमैन कम ड्राइवर गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। और ये गाड़ी अभी हमने आपको रिव्यू में दिखाया था, नौकरानी घर पे अकेले चल के संभालेगा थोड़ा। और रेडी यार, क्या हाल है हमारे अब्बा, देखे नौकरानी संभालने जा रहा है। तब पे तो घर में बढ़िया कुटाई होगा। और ठीक है, काट दिया ना तो नहीं काटेंगे हम भैया, अब्बा को मालूम चलना चाहिए ना बच्चा क्या कर रहे हैं सऊदी में। अरे खजूर जो तोड़ रहे हैं सही है, क्या करने, दो गाड़ी लेके जाएंगे, फालतू पेट्रोल खर्चा हो गया। एक तो पेट्रोल कितना महंगा हो गया। ये हमारे रेडी भाई हैं, पूरा ये फॉर्म है यही संभालते हैं, यही रेडी रखते हैं पूरा। कितना पेड़ है खजूर का? 250 है, ये नींबू का 100 है, संतरा का 100 है, संतरे का 100 पेड़, नींबू का 10 है, और जैतून का 50 है। मुर्गी उर्गी थी ना? मुर्गी है, बकरा है, बतख है, कबूतर है, देसी मुर्गा है, कबूतर है, सब है। देखो भाई ये है और एक आदमी और है, दोनों मिलके ये पूरा संभालते। देखो कितना बड़ा है, देखो पूरा। और ये ऊपर वाला क्या है, ऊंचे पे जो बनाया है? दूसरा घर है, घर है या फिर कुछ और है? ऑफिस है। और इधर पीछे पानी वाला भी है ना कंपनी, बड़ा कंपनी है, 400 आदमी काम करते है। गया था मैं एक बार उधर, तो भाई साहब हमारा काट देना। क्या काट देना? जो हम नहीं, कहीं के बताओ फिर से। अरे ये जो हम मजाक कर दिए हमारे पास तुम्हारा सब वीडियो देखते हैं, कहेंगे साला क्या बोल रहा है लखेरा। चलिए चलते हैं, हमारा ये देखो भाई साहब परेशान है एकदम। देखो हमारा काट देना क्या काट देना वो यहाँ पे नहीं पता चलेगा, इंस्टाग्राम में मैं डाल दूंगा। तो फटाफट से ये आईडी आ रहा है, जाके फॉलो कर लो। इस तरह के जो मैं यूट्यूब में नहीं डालता हूँ, थोड़ा सा फनी वगैरह बोल देते हैं ताकि घर वाले हमारे ना देखें, तो वो सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे आती। तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे जाओ फॉलो करो। इलियास भाई एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। कैफ हाल या हबीबी? मियां मियां आना मुखरबा हम। अभी क्या है कि मैं तो जाने वाला हूँ, हम लोग साथ में ही जाने वाले थे, लेकिन भाई साहब का प्लान ही बदल गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और यहाँ से 50 किलोमीटर है हमारा घर। तो मैंने अपना गाड़ी खड़ी कर दी है GMC। साला एक महीने का दिन बचा कट ही नहीं रहा है, जिसे साला पहाड़ हो गया है। बेल्ट लगाओ, बेल्ट गिराना मतलब तो 50,000 का नुकसान हो जाएगा। JCB देखो जा रहा है, JCB नहीं है, JCB है ना। यहाँ पे देखो पहाड़, पिछली बार हमने मोबाइल से शूट किया था, लेकिन इस बार हम कैमरा लेके आए हुए हैं। पहाड़ वहाड़ दिखाएंगे आप लोगों को, रात में अच्छा लगता है, लाइटियाँ जो जलती है पहाड़ वहाँ पे, आने के टाइम में शूट करेंगे, अभी तो जाने का टाइम है। पहाड़ी एरिया में हम लोग आए हुए हैं। अगर आप सऊदी अरब से देख रहे हो तो आपको पता होगा हम लोग आए हुए हैं अमारिया में, तो सुइया पूरा यहाँ तक आ गया हूँ। अरे वाला है कहते हैं। अरे पहले ही बंद करो यार। तो भाई साहब देखो पहाड़ी एरिया कितना मस्त है, एक नंबर, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़, खजूरी खजूर नहीं दिखाएंगे। हाँ देखो अब्बा क्या कहते हैं ये बताइए पहले। अब्बा कहते हैं थोड़ा तुम भी वीडियो बनवा लिया करो साथ में खड़ा होके। हाँ तो अब्बा जी आप देख रहे हैं तो हमारा सलाम, और यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं। तुम भैया शूट करो, हम नहीं शूट करेंगे, नहीं तो दोनों जने शूट हो जाएंगे। देखो पहाड़ में सीधा रास्ता नहीं जा रहा है, मुड़ जा रहा है, दूर से देखने में लगता है कि अंदर सूरज घुसेगा। पहाड़ी एरिया में मजा आता है यार, थोड़ा अच्छा। आज हम आप देखने को आज पूरा कर दी गई है, वीडियो बना लिया गया है, आज कहेंगे आज हमारे बेटे को वीडियो बना दिया। देखो आपके बिटवा खुशियार बना के भेज रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं तो आपको खुशखबरी दे दें,
इंशाल्लाह हो सकता है डेढ़ या दो महीना में, अप्रैल लास्ट तक, अगले महीना में 25 तक इंशाल्लाह, अप्रैल महीना में, अप्रैल में लास्ट तक घर पहुंच जाएंगे। खुशी देख रहे हैं हमारा लड़का, खुशी देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं सिटी के अंदर, दाखिल हो चुके हैं। तो यहाँ से अभी थोड़ी दूर आगे जाएंगे, वहाँ से हम लोग पुल के ऊपर से लेफ्ट लेंगे, उसके बाद 5-10 किलोमीटर बाद हमारा घर आ जाएगा। पहले मैं जाऊँगा घर, उसके बाद हमारे सौगा पायलट साहब पायलट साहब घर जाएंगे हमको छोड़ के घर पे। फिर रात में हम लोग साथ में आएंगे, तो रात का भी सीन आपको दिखाएंगे, क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग आए हैं अभी आपने पहाड़ी एरिया देखा, रात में उस पहाड़ी के ऊपर ना सब लाइटें लगाई हुई हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है जब जलता है। तो यहाँ से हम लोगों को जाना है राइट। अब आप लोग सोचो कि हम तो लेफ्ट जाते हैं लेकिन राइट क्यों जाना है, तो भाई साहब इधर ड्राइविंग साइड जो होता है, ड्राइवर जो रहता है वो लेफ्ट में बैठता है, जो पैसेंजर रहता है वो राइट में बैठता है, स्टेयरिंग लेफ्ट में रहता है, और देखो हम राइट में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे उल्टा रहता है। तो अगर मैं कभी इधर उधर निकल जाऊँ तो आप लोग समझ ले रहा हूँ कि भाई राइट में जा रहा है, मतलब एग्जिट ले रहा है। ये ब्रिज है ना, सबसे ऊपर ब्रिज है, इसके नीचे एक और ब्रिज है, और इसके नीचे एक और ब्रिज है, यानी तीसरे फ्लोर पे हम लोग हैं। देखो नीचे की, देखो ये है, फिर एक उधर है, यहाँ पे देखो रोड है ना नीचे 2-3, ये रिंग रोड है, इसको बोलते हैं अरबी में दायरी, दायरी इसका नाम है, दायरी शुमाली लिखा है, 120 हजूर आपको हर जगह देखने मिलेगा। वो कैमरा कैमरा ब्लॉगर हूँ, धीरे धीरे पीरो ब्लॉगर बन जाऊंगा। ये थिएटर है यहाँ पे पिछले साल 1.5 साल हुआ ना चालू होके, लॉकडाउन से पहले ही चालू हुआ था, 1 साल पहले थे वो। इसको बोलते हैं रियाद पार्क, इधर आपको बहुत सारी बिल्डिंगें दिख जाएंगे, मिल जाएंगी। देखो अभी तो नहीं दिख रहा है लेकिन देखो थोड़ा बहुत दिख जाएगा। ये इधर का सबसे बड़ा बैंक है, अलराजी बैंक, ये जो है ना अफरोज, ये मरकज मलिक अब्दुल्ला है, मैं उसमें कभी नहीं गया हूँ। ये वाला मेट्रो है, देखो ये यहाँ से देखो ऐसे गया है, पूरे रियाद में मेट्रो 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 हो गया। देखो ये मेट्रो है, अभी चालू नहीं हुआ है लेकिन चालू हो जाएगा जल्दी। तो अभी हम घर पहुंचने वाले हैं, आपने अभी तक जो देखा, अगर आपको लगता है कि हाँ हमने मेहनत की, आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बाकी बने रहो वीडियो में, अभी तो ये आधा है, आधा भी बाकी है। ड्राइवर सही नहीं है ना, तो गेट बंद करने आता है ना गाड़ी चलाने आता है, बताओ 4 साल से हम खुद भूल गए अपना नाम का, तुमको गाड़ी पड़ी है। यह है लेडीज जिम सेंटर, शायद आपको दिखे अच्छे से, तो ऐसा हर जगह होना चाहिए ताकि लेडीज़ भी आराम से जाके जिम कर पाए, क्योंकि अपने इधर ज़्यादातर जेंट्स वाला ही होता है, तो लेडीज़ को मौका नहीं मिलता है कि हाँ जाके वो भी जिम उम कर पाएँ, अपना सेहत बना पाए। यहाँ सरकारी जिम है लेडीज़ों का। जुम्मा मस्जिद, इसमें हम लोग जुम्मा पढ़ने आते थे लॉकडाउन से पहले। ये मदरसा दारुल उलूम, ये वाला यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ तक जाता है। ये
यहाँ आके खत्म। ये पता नहीं क्या है लेकिन कंपनी हमको इतना तो मालूम है, ये घर को इतना मैं फेमस कर दिया हूँ, वर्ल्ड फेमस ये सामने वाला ये बतियौले में नहीं खर्चा होला, अच्छा चालू रखले में खर्चा हो जाला, 5 MB में पूरा दिन चलेला। ये बात है और का, चालू 24 घंटा चालू रखे के चाहिए एकदम चालू। चलो जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा जाओ जाओ बाय बाय शाम को मिलते हैं। तो फाइनली हम रूम में आ चुके हैं और आपने यहाँ तक देख लिया तो लास्ट तक जरूर देखना। अभी हम घर में आ चुके हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे, रात में जब फोन आएगा तो फिर हम जाएंगे, जाते वक्त शूट करेंगे, आते वक्त शूट नहीं करेंगे क्योंकि हम गाड़ी चलाएंगे तो उस टाइम पे शूट करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने गाड़ी शूट करने के लिए छोड़ दिया वहीं पर जो फार्म हाउस है जहाँ पर पूरा मजरा है, वहाँ पर हमने गाड़ी छोड़ दिया, अपने दोस्त के साथ आया हूँ तो फिर से दोस्त के साथ जाऊँगा तो शूट कर पाऊँगा, थोड़ी देर में मिलते हैं। हे गाइस फाइनली आई एम बैक आफ्टर 5 or 6 hours, बट आपके लिए कुछ ही सेकंड लगे होंगे। तो चलो फाइनली हम आपके लिए आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारे इलियास भाई बाहर खड़े हुए हैं। ये रहा मस्जिद, अभी तो इसमें इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, दिन में अच्छा दिखता, रात के करीब बज रहे हैं 10:43 यानी 10:43। ये जो मस्जिद बन रहा है तकरीबन 7-8 साल से बन रहा है, इसी पे चालू करने वाले होंगे, इसलिए बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। कभी मैं आऊँगा दिन में उस टाइम पे आपके दिखाऊंगा, इतना बारीकी से काम किया गया, इतना बारीकी से कि क्या ही बताया जाए। तो ये पहले हम लोग ट्रैफिक निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको बाहर के नज़ारे दिखाएंगे। तो भाई लोग हम आ चुके हैं दोबारा से वहीं पे जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे इस ब्लॉग को, और ये रहा हमारा गेट, यहाँ से अंदर जाना है हमको, उसके बाद सबको लेके जाना है घर, लेकिन हम ब्लॉग यहीं पे बंद कर देंगे क्योंकि फैमिली रीजन। रेडी भैया फोन उठा लो। खुला है खुला है। फिर से बंद कर दूं। खुला था। खुला था? हाँ। बोलते नहीं, हम लोग ढके लेना धीरे से, इतने ही निकला, फिर मैं जोर से ठेला, मैं सोचा हो सकता है खुला हो। खुला था। शुक्रिया आने के लिए। सो गया था मैं। अच्छा नहीं, पहले हम, मैं सोचा सो गए होंगे शायद, इसलिए फोन नहीं उठा रहे। चलो भाई लोग आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाय।